हेलो क्लास, आपका स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म कैरियर मेकअप फॉर गवर्नमेंट जॉब्स में। जैसे कि आपकी इंडियन रिवर सिस्टम की जो है कंटिन्यू सीरीज चल रही है, आपके ऑलरेडी मैंने जो है गंगा रिवर, इंदस रिवर और आपका ब्रह्मपुत्र और यमुना को भी मैंने अलग से डिस्कस किया है। तो आपके जितने भी हिमालयन रिवर्स थे उनको मैंने कम्प्लीट जो है ट्रिक्स के साथ डिस्कस किया है। तो आज आपके मैं जो है नेक्स्ट जो टॉपिक आपका पेनिनसुलर रिवर्स को जाके डिस्कस करने वाला हूँ। तो पेनिनसुलर रिवर कौन से होते हैं आज हम उनको डिटेल में स्टडी करेंगे, पेनिनसुलर रिवर्स। अगर हम बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर्स की, तो पेनिनसुलर रिवर्स को हम कह सकते हैं ये पठार वाले जो छोटे छोटे हिल्स हैं जहाँ से इनका जो ओरिजिनेट होता है, इनका जो सोर्स होता है, इनकी सोर्स जो होती है आपके रेन होती है। अगर हम देखें इनकी सोर्स की, तो सोर्स क्या है इनका आपके, ये डिपेंड करते हैं मॉनसून या आपके रेन के ऊपर, मॉनसून की जो रेन होती है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अब देखो ये ज़्यादातर जो रिवर्स हैं ये ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, रिवर्स ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, फ्रॉम द पेनिनसुलर प्लेट्यूज। जितने भी आपके प्लेट्यूज हैं, पठार वाले इलाका एरियाज हैं जहाँ से ये ओरिजिनेट होते हैं, और लार्जली ये पेरिनियल सीजनल रिवर्स होते हैं, जब बारिशें होती हैं तो ही इनमें पानी आपको दिखाई देता है। अगर रफली मैप इंडिया का ड्रा करूँ छोटा सा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये है आपका प्यारा भारत देश, ये अपना प्यारा भारत देश है, ये आपका जो एरिया आ जाता है ये वाले रीजन जहाँ से ये पेनिनसुलर रिवर जो आपके ओरिजिनेट होते हैं, ये आपके पेनिनसुलर रिवर्स आ गया। तो बाकी मैंने हिमालय वाले तो आपको समझा ही दिए। तो जो रिवर्स इन एरिया से ओरिजिनेट होते हैं, तो वो अधिकतर नदियाँ जो हैं आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। तो जो रिवर्स आपके यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं ये विंड्स के कारण, आपके रेनफॉल के कारण जो होते हैं इनमें पानी वगैरह आता है। जो रिवर्स आपके पेनिनसुलर इंडिया से ओरिजिनेट होते हैं उनको पेनिनसुलर रिवर्स कहा जाता है। अगर हम देखें इनमें ना, ये मोस्टली ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ये ज्यादातर रिवर जो है वो आपके ईस्ट में बहते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें ना, जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो क्या बनाते हैं आपके, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो हैं ये क्या बनाते हैं आपके, डेल्टास बनाते हैं, ये डेल्टास बनाते हैं। और आपके जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो क्या बनाते हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो हैं आपके ये क्या बनाते हैं, आपकी एस्चुरीज बनाते हैं। मतलब डेल्टा और एस्चुरी क्या होता है, एक्चुअल में जो ये रिवर्स होते हैं जो ईस्टर्न वाली साइड बहते हैं ये फास्ट फ्लोइंग रिवर्स होते हैं, वो अपने साथ कंकर पत्थर लेके आते हैं, इन एरियाज में ये क्या बनाते हैं आपके, डेल्टास बनाते हैं। एक्चुअल में आपकी ज़्यादातर नदियाँ ना, मोस्टली रिवर्स जो है वो आपके ईस्ट वाली साइड फ्लो करते हैं, कुछ रिवर्स हैं आपके वेस्ट साइड फ्लो करते हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ये वाला जो अगर वेस्टर्न घाट की बात करें, ये 1600 मीटर की हाइट, एवरेज हाइट की बात करें तो 1600 मीटर हाइट में है ये वाले रीजन। अगर हम ईस्टर्न वाली साइड की बात करें तो ये 600 मीटर वाले हाइट वाले ये रीजन हैं। तो ये वाला जो रीजन है आपका वेस्ट फ्लोइंग वाला, ये वेस्टर्न जो घाट है वो उठे हुए हैं एज कम्पेयर टू ईस्टर्न का, तो तभी जो नदियां हैं वो आपकी कहां पर जाके बहती हैं, आपके ईस्टर्न वाली साइड। अब आपका एक प्रश्न होगा, सर अगर ये सारा एरिया यहां पर जो है रिवर्स आपके वेस्टर्न घाट ज़्यादा हाइट में है, तो कुछ नदियां यहां पर आके क्यों फ्लो करती हैं, तो ड्यू टू रिफ्ट वैली, यहां पर एक रिफ्ट वैली बनी है ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट, एक जो है सतपुरा और विंध्या रेंज के बीच में मतलब आपस में खिसकी हुई है, उनके कारण कुछ जो रिवर्स हैं आपके कहाँ पर आके बहते हैं, आपके अरेबियन सी में, जिनको हम आप गल्फ ऑफ खंबात भी कहते हैं। तो आगे हम स्टडी करते हैं अब आज थोड़ी थोड़ी, बाकी आपको इतना समझ आ गया होगा, ये रिवर जो है वो आपके डेल्टाज बनाते हैं, ये आपके एस्चुरीज बनाते हैं। डेल्टा और एस्चुरी में फ़र्क क्या होता है, एस्चुरी एक्चुअली ये बड़े स्लो जो रिवर्स आके आते हैं आगे सी वाला रीजन्स होता है, जब ये दो रिवर्स आके मिलते हैं, खारा पानी और मीठा पानी वाला ये जंक्शन जो बनता है इसको एस्चुरीज कहते हैं। तो ये फिशरीज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो। तो डेल्टास में क्या होता है, ये कंकर पत्थर लाके जो है वो बड़े बड़े प्लेन्स बनाते हैं, ठीक है, जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स बने हुए हैं, ठीक है। तो मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की बात करें अगर हम, फ्लोइंग रिवर्स की बात करें,
तो मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में जो आपके रिवर्स आ जाते हैं वो कौन कौन से हैं? नंबर वन पे आपका आता है नर्मदा रिवर, सबसे बड़ा रिवर है आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर में, नर्मदा रिवर आता है। दूसरे नंबर पे आपका तापी आता है, इसको ताप्ती भी कहते हैं, दो नाम से इसको जाना जाता है। और तीसरा आपका जो रिवर आता है वो आपका माही रिवर है, माही। और चौथे नंबर पे आपका जो है वो साबरमती, साबरमती जो है वो आपके, ये चार रिवर आपके वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। अगर आपको पूछा जाए सबसे बड़ा वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सा, तो आपका नर्मदा आता है। तो एक एक को डिस्कस करते हैं। आपका एक और रिवर भी आता है, रिवर लूनी भी आता है, लूनी रिवर है, बट इसको मैं अलग से आपको स्टडी करवाने वाला हूँ। एक्चुअल में रण ऑफ कच्छ में ये गायब हो जाता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करवाने वाला हूँ मैं तो। और उसके बाद आपका जो है इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल जान लेते हैं। जाते कहाँ पे ये, आपने गल्फ ऑफ खंबात का नाम सुना होगा, गल्फ ऑफ कैम्बे भी कहते हैं और खंबात भी कहते हैं इसको, गल्फ ऑफ खंबात। ये ना आपकी गुजरात की खाड़ी, ये इस तरीके से बनी हुई, गुजरात की खाड़ी ऐसे बनी हुई, ऐसे करके गुजरात की खाड़ी। स्टार्टिंग में ना देखा जाए ये ना 20 किलोमीटर वाइड है, और जैसे यहाँ तक पहुँचते तो ये 70 किलोमीटर वाइड हो जाती है। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो 200 किलोमीटर इसकी जो है लेंथ है। तो जितने भी आपके वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं वो आपके यहाँ पर आके इसके आपके बंगाल की सॉरी आपकी गल्फ ऑफ खंबात मतलब गुजरात की खाड़ी में आके सारे रिवर्स आपके मिल जाते हैं। तो गल्फ ऑफ खंबात की अगर बात करें तो इसको गल्फ ऑफ आल्सो नाउन है गल्फ ऑफ कैम्बे, इसको गल्फ ऑफ कैम्बे भी कहा जाता है। तो मेजर रिवर जो है यहां पर कौन से क्या बनाते हैं आपके, एस्चुरीज बनाते हैं। ठीक है, आप रब कर लो तब तक। ओके, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं एक एक। अब सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं आपके नर्मदा रिवर को, नर्मदा रिवर। ठीक है, नर्मदा रिवर की अगर बात करें तो इसको और भी नामों से जाना जाता है, आल्सो नाउन एज रेवा, REWA रेवा, एंड रेवा रिवर्स भी जाना, आल्सो नाउन एज रेवा रिवर, इसको रेवा रिवर के नाम से भी जाना जाता है। और जो है प्रीवियसली इसको नर्मदा रिवर के, आप लिख लेना, खुद लिख लेना, मैं लिखने वाला नहीं हूँ, इसको रिवा रिवर भी कहते हैं, और पहले इसको नर्मदा रिवर के नाम से भी जाना जाता था। अब इम्पॉर्टेंट क्या आता है इसके बारे में, ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ये ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ये चीज़ आपकी इम्पॉर्टेंट होती है। अमरकंटक पीक से ओरिजिनेट होती है ये, अमरकंटक पीक है, ठीक है, जहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। ठीक है, अब देखो कहां पर है ये आपकी अगर बात करें तो नॉर्थ ईस्टर्न एंड ऑफ सतपुरा रेंज, सतपुरा। ठीक है, कहां पर है ये आपका अमरकंटक, अमरकंटक पीक से ओरिजिनेट होती है, कहां पर है, नॉर्थ ईस्टर्न एंड ऑफ सतपुरा रेंज के नॉर्थ ईस्टर्न एंड में, मतलब यहां पर मैं इंडिया का मैप बनाया था, और जहाँ पर आपको फिजिकल वैसे डिवीजन ऑफ इंडिया में भी इस नर्मदा रिवर के बारे में थोड़ा सा मैंने आइडिया देना। अब बात करें तो कहाँ कहाँ पर जाती है ये फ्लोज इन, इम्पॉर्टेंट है, फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली से होके निकलती है। रिफ्ट वैली आपको पता है बिटवीन सतपुरा एंड विंध्या रेंज, ठीक है, बिटवीन मैं लिख लेता हूँ सतपुरा एंड विंध्या रेंज, बिटवीन सतपुरा एंड विंध्या रेंज के बीच में आती है। तो लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ये, लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग, ठीक है, तो लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। और इसको ना आल्सो मैं यहां पे लिख लेता हूं, यहां पे आल्सो नाउन एज लाइफ लाइन ऑफ एमपी, एमपी की लाइफ लाइन कहा जाता है इसको, इंपॉर्टेंट है, एमपी की लाइफ लाइन के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें इसकी टोटल लेंथ की, तो टोटल लेंथ कितनी है इसकी,
वैसे सब रिवर्स की आपको नहीं करनी है, एक्चुअल में इसकी इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये सबसे बड़ी रिवर है यहाँ पे, 1310 किलोमीटर है इसकी टोटल लेंथ जो है जहाँ से ये निकलती है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये फॉर्म्स करती है एक धुआंधार फॉल्स, फॉर्म्स आ धुआंधार फॉल्स, धुआंधार फॉल्स भी इसके ऊपर बनता। फॉल्स तो आपको पता है, इन बीड़ा घाट कहाँ पर है ये, इन बीड़ा घाट याद रखना, इन बीड़ा घाट नियर जबलपुर, जबलपुर में, ठीक है, नियर जबलपुर में एक बीड़ा घाट है जहाँ पर ये जो क्या करती है, एक फॉर्म करती है धुआंधार फॉल्स। फॉल्स होता है वाटर फॉल्स होते हैं, तो धुआंधार फॉल्स पूछा जाता है कि धुआंधार फॉल्स कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो इसमें मेजर डैम्स भी करवा लेता हूँ, इसके मेजर डैम्स जो हैं पूछे जाते हैं अक्सर। मेजर डैम्स कौन कौन से हैं, मेजर डैम्स की अगर बात करें तो मेजर डैम्स इसमें आ जाता सरदार सरोवर, सरदार सरोवर डैम कामा करके आपने, इंदिरा सागर डैम, इंदिरा सागर डैम आ जाता है, उसके बाद आपका ओमकारेश्वर डैम, ओमकारेश्वर डैम, और उसके बाद आपका ओमकारेश्वर डैम के बाद आता महेश्वर डैम, महेश्वर डैम। तो इस तरीके से आप मेजर डैम्स याद रख सकते हो, सरदार सरोवर डैम, इंदिरा सागर डैम आपका आ जाता, ओमकारेश्वर डैम आ जाता आपका, और महेश्वर डैम जो है आपके नर्मदा के ऊपर बने हुए, और आपका धुआंधार फॉल्स भी आपका इसी के ऊपर बना हुआ। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, कान्हा, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है, कान्हा नेशनल पार्क याद रखना, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर है, वो भी इसी के बैक पर है, लोकेटेड ऑन इट्स अपर रीच, इसके अपर रीच पर आपके कान्हा नेशनल पार्क जो है वो लोकेट करती है। अगर बात करें इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज की, तो इम्पोर्टेंट वैसे ट्रिब्यूटरीज पूछी जाती है इसकी, बाकी इतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ट्रिब्यूटरीज इसकी दो ट्रिब्यूटरीज हैं, एक आपकी हेलोन है, तो आप इसको याद रख सकते हो इसकी ट्रिब्यूटरीज को, वैसे ज़्यादा है तो नहीं इम्पोर्टेंट, हेलोन, और ये एंड, एंड का सिंबल है ये, इसको गलत मत कर देना, बंजार, बी ए एन जे ए आर, ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो, हेलो ब्रदर, हेलो ब्रदर, हेलो एंड बंजार जो है इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं आपके नर्मदा रिवर की। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा इसके बारे में। तो ये फाइनली कहाँ पर ड्रेन करती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो फाइनली कहाँ पर ड्रेन करती है, आपके गुजरात में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ड्रेन लिखवा लेता हूँ, ड्रेन कहाँ पर करती है, इंपॉर्टेंट आ जाता है, ठीक है, ड्रेन्स कहाँ पर करती है फाइनली, आपके रन ऑफ कच्छ में, अरबियन सी में करती है, अरबियन सी, अरबियन सी नियर गल्फ ऑफ खंबात, बेस्ट ऑफ बारूच सिटी, बी ए आर यू सी एच, बारूच सिटी है ऑफ गुजरात, ठीक है, जहाँ पर ये ड्रेन करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट आपका रिवर आता है आपका वेस्ट फ्लोइंग रिवर में आपका तापी, तापी या इसको ताप्ती भी कहते हैं, इसके बारे में आप देखते हैं, ताप्ती रिवर के बारे में, ताप्ती रिवर के बारे में देखते हैं। तो इसको कैसे करना है, सबसे पहले ओरिजिन कहाँ से होता है इसका, देखो जब गर्मियों में आपका चेहरा तपता ना, तो आप क्या लगाते हैं, मुल्ताई मिट्टी लगाते हैं ना, मुल्ताई मिट्टी लगाते हैं, मुल्ताई मुल्ताई मिट्टी लगाने के बाद आपकी सूरत खूबसूरत हो जाती है ना, ब्यूटीफुल हो जाती है। तो इसके साथ ट्रिक जोड़ रहा हूँ मैं, आप ठीक है ऐसे मजाक में समझना, ओरिजिन कहाँ से होता है इसका, मुल्ताई बैतूल से होता है, मुल्ताई बैतूल, यह है डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, मुल्ताई बैतूल है डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, सेंटर ये ना कहाँ पर है, ये आपके सेंट्रल
ऑफ सतपुरा रेंज जो है, सेंट्रल ऑफ सतपुरा रेंज, ठीक है, जहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और ये कहाँ पर ड्रेन करती है आपकी, ड्रेन्स कहाँ पे करती है, गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ खंबात में ये फाइनली ड्रेन करती है। और डिस्ट्रिक्ट कौन सी है इसकी, सूरत डिस्ट्रिक्ट, सूरत डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ठीक है, सूरत डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात जो है जहाँ पर ड्रेन करती है ये। देखो आप तपता चेहरा तो आप मुल्ताई मिट्टी लगाते हैं किसके लिए, सूरत को, सूरत को मुल्ताई बैतूल से निकलती है और सूरत डिस्ट्रिक्ट में फाइनली क्या होती है, ड्रेन हो जाती है ये। और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आल्सो नाउन एज, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है इसका, आल्सो नाउन एज ट्विन ऑफ नर्मदा रिवर, इसको नर्मदा रिवर का ट्विन्स भी कहा जाता है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट आ जाता है। अगर डैम्स की बात करें इसमें कौन कौन से डैम्स आते हैं, बाकी इतना ज़्यादा आपने डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है, ज़्यादा इतना पढ़ना भी नहीं है रिवर्स के बारे में, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट, हाँ नर्मदा के बारे में आपने थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। तो डैम्स कौन कौन से आते हैं इसमें, उकाई डैम है, उकाई डैम है, उकाई डैम कहाँ पर है इसका, आपका गुजरात में है। और हथनूर डैम है, हथनूर HATHNUR हथनूर डैम, ये कहाँ पे आपका महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में इसका डैम है, ठीक है। और इसके ऊपर टेक्सटाइल एक फैक्ट्री बनी है सूरत में, इसके ऊपर आपकी एक जो है पेपर फैक्ट्री भी बनी हुई है, आपके पेपर एंड न्यूज़ प्रिंट फैक्ट्री भी इसके ऊपर बनी हुई है, ठीक है, जो नाग निपना निपा नगर में है, निपा नगर MP में है। वैसे ये क्वेश्चन पूछा गया, मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, ऐसे आपको याद भी नहीं रहेगा इतना बोला हुआ। इसका आपका ना इंडस्ट्री, एक तो इसके ऊपर टेक्सटाइल, टेक्सटाइल फैक्ट्री इन सूरत, ठीक है, दूसरा नंबर पे क्या आता है, पेपर एंड न्यूज प्रिंट फैक्ट्री, ठीक है, कहाँ पे, एट निपा नगर, इसके ऊपर पूछा गया वैसे क्वेश्चन, निपा नगर, निपा नगर ये कहाँ पे, आपके MP में, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। अब नेक्स्ट रिवर आपका आ जाता है माही रिवर, माही रिवर, माही रिवर की भी बात करें अगर, तो माही रिवर, देखो माही ने ना, माही किस एक प्लेयर का नाम है, माही धोनी को कहा जाता है, जिंदगी में ना माही ने हमेशा ऊंचाइयां छुई हैं, इसीलिए जहां से ये निकलती है ना सबसे पहले ये ऊपर जाती है, मतलब सीधा नॉर्थवर्ड बहती हुई, जैसे यहाँ से निकलेगी तो सीधा नॉर्थवर्ड जाती है, एक विगाड़ रीजन है राजस्थान में जहाँ तक ये जाती है। सबसे पहले लिख लेते हैं इसका ओरिजिन कहाँ से होता है, ओरिजिन इसका होता है विंध्या रेंज से, विंध्या रेंज है कहाँ पे आपके MP में, विंध्या रेंज और फ्लोज करती है, वही आपका मैं पॉइंट बोल रहा था, नॉर्थवर्ड फ्लो करती है, ये फ्लोज नॉर्थवर्ड कहाँ पे होती है, इंटर टू BAGAAD वगार्ड रीजन, भाई वगार्ड रीजन ना यहाँ से जहाँ से निकलती है विंध्या रेंज से सीधा ऊपर जाती है राजस्थान में, ये वगार्ड रीजन है BAGAAD, ठीक है, वगार्ड रीजन है जहाँ पर ये इंटर होती है, इसको वगार्ड रीजन की लाइफ लाइन भी कहा जाता है, कहाँ पर इंटर होती है वगार्ड रीजन, उसके बाद क्या करती है, एंड उसके बाद क्या करती है, देन टेक यू टर्न, उसके बाद ये यू टर्न लेती है और जस्ट इंटर हो जाती है आपके कहाँ पे, गुजरात में, यू टर्न एंड इंटर इन गुजरात, ड्रेन कहाँ पर करती है फाइनली, ये आपके गल्फ ऑफ खंबात में करती है ये। और इम्पॉर्टेंट है, द मेजर पार्ट जो है इसका एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसके लिए इतना इम्पॉर्टेंट है कहूँगा मैं। माही कहाँ से निकलती है, विंध्या रेंज से निकलती है जो MP में, और सीधा जहाँ से निकलती है सीधा नॉर्थवर्ड जाती है, यहाँ पे वगाड़ रीजन है राजस्थान में, लाइफ लाइन ऑफ, अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इसको, लाइफ लाइन ऑफ वगाड़ रीजन कहा जाता है,
इसको लाइफ लाइन कहा जाता है वगाड़ रीजन का, जो राजस्थान में। आप स्क्रीनशॉट ले लें। आपका नेक्स्ट रिवर आ जाता है साबरमती। तो साबरमती रिवर जो है ये भी आपका वेस्ट फ्लोइंग है। आज सारे हम जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर ही डिस्कस करने हैं, साबरमती रिवर, ठीक है। इसके बारे में हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है भी और नहीं भी है। ओरिजिनेट कहाँ से होता है इसका, ओरिजिन कहाँ से होता है इसका, आपका सतपुरा रेंज अरावेली से होता, सॉरी अरावेली आपके राजस्थान से होता है इसका, अरावेली से, अरावेली हिल से होता है इसका ओरिजिन। अगर बात करें इसकी तो अरावेली कहाँ पे है, आपके उदयपुर में, उदयपुर कहाँ पे आपका राजस्थान में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, जहाँ से इसका ओरिजिन होता है आपका साबरमती का। फ्लो करती है ये साउथवर्ड डायरेक्शंस में, फ्लोज इन साउथवर्ड डायरेक्शंस, साउथ वेस्ट डायरेक्शंस, और इंटर होती है गुजरात में, ये इंटर इन गुजरात, और फाइनली ड्रेन कहाँ पर करती है ये, इनटू गल्फ ऑफ खंबात में ये फाइनली ड्रेन करती है। इसके लिए इतना काफ़ी है। एक और रिवर है जिसको मैंने डिस्कस नहीं किया, वो है आपका रिवर लूनी। मैंने इसको अलग से इसीलिए रखा क्योंकि इसका अलग से ही सिग्निफिकेंस आ जाता है, क्योंकि रिवर लूनी के नाम से आपको पता ही है कि लूनी नमक, नमक वाला रिवर, ठीक है। अब ये एक लूनी की बात करें तो लूनी, लूनी इज द लार्जेस्ट रिवर है इन थार डेजर्ट। थार डेजर्ट में अगर सबसे आपका लार्जेस्ट रिवर है तो वो लूनी है, ठीक है। और इसको लाइफ लाइन भी कहा जाता है, लूनी रिवर को लाइफ लाइन, किसकी, लाइन ऑफ थार डेजर्ट, थार डेजर्ट की लाइफ लाइन भी कहा जाता है, याद रखना, क्योंकि ये जो है आपके राजस्थान में यही एक रिवर है थार डेजर्ट में जो बहता है, ठीक है। इसका अलग से नाम इसीलिए क्योंकि ये सल्ट रिवर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनेट कहाँ से होता है, आपके नाग पहाड़ से। नाग पहाड़ कहाँ पे है ये, नाग पहाड़ ऑन वेस्टर्न स्लोप ऑफ अरावेली, वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द अरावेली रेंज है आपके राजस्थान में। एक साबरमती भी वहाँ से होता है और यहाँ भी, लेकिन ये वेस्टर्न साइड में आता है, वेस्टर्न स्लोप ऑफ अरावेली रेंजेस, अरावेली की रेंज में जो है वेस्टर्न जो है वहाँ से ये होता है। कहाँ पर है ये वेस्टर्न, इन पुष्कर वैली में है ये, पुष्कर वैली, ठीक है, आपके राजस्थान में है। अब पुष्कर वैली कहाँ पर, आपने अजमेर का नाम तो सुना होगा, पुष्कर वैली अजमेर है, ठीक है। अब देखो फ्लोज कहां पर, फाइनली इसके बारे में याद रखना, फाइनली फ्लोज इनटू रन ऑफ कच्छ में ये होता है, और यहां पे ये डिसअपीयर हो जाता है, गायब हो जाता है। अब ऐसा नहीं इसको आके ब्रह्मा पी जाते हैं, बट ऐसा होता कि ये उधर ही लॉस्ट हो जाता। अब इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ मैं आपको। अब आपने कैसे याद रखना है इसको, देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। कौन सी वैली आपकी, पुष्कर वैली है जो कहाँ पर है, अजमेर में है। फाइनली ड्रेन कहाँ पर करता, आपके गल्फ ऑफ खंबात में नहीं जाता, ये आपके रनअप कच्छ में ही ये क्या हो जाता, डिसअपीयर हो जाता, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर आ जाता है। लूनी के बारे में पूछा जाता है, ओरिजिनेट और लाइफ लाइन आपके थार डेजर्ट की आती है। आई होप कि आपको आज के टॉपिक में इतना समझ आ गया होगा। आपके नेक्स्ट जो है टॉपिक आपका आपके ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स को लेके आ रहा हूँ मैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, इतने था। जय हिंद।